अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं लगंदर। तो आज मैंने एक नई साइट पे विला जो है विजिट किया, तो वहाँ पे मैंने देखी बहुत सारी मिस्टेक है। तो आज जो मैं है जो मिस्टेक है वो सिर्फ बताऊँगा कि वाटर प्रूफ करने के टाइम में कौन सी मिस्टेक होती है और बाद में क्या प्रॉब्लम आता है, तो उसको मैं आपको हाईलाइट करूँगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और कोई समझ नहीं आती तो कमेंट्स कर दें। तो मैं जो सिविल के रिलेटिव है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और कोई भी बात पूछनी हो तो मेरे कमेंट्स करके आप मेरे को नंबर भी ले सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली क्या मिस्टेक हुई है और उससे कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो डियर सैयद, आप देख सकते हैं कि नया एक विला बना हुआ, तो इसका काम काफ़ी हो चुका है, टाइल लग चुकी है और पेंट का भी काम हो चुका है, और इसमें फोर सीलिंग का काम अभी जारी है। तो फोर सीलिंग जो कुछ काम बाकी है कुछ हो गया, तो इसी विले में ये इसका रेस्ट एरिया है, इसका बैक साइड में वाटर प्रूफ ही होके सिक्रीट भी हो गया हुआ है। तो इसमें अभी देखिए सक्रीट भी हो गया, तो अभी टाइल लगाने के लिए, लेकिन इसमें देखिए कैसे मिस्टेक, बड़ा बड़ा मिस्टेक किया गया। तो यहाँ पे ये पाइप है, तो पाइप पे देख सकते हैं बैर साइड में कितना इसके साथ में वाटर प्रूफ हाइट में करते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे जो फ्लोर ट्रिप लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा, तो इस वाटर प्रूफ डैम हो जाएगा। दूसरा बड़ा मिस्टेक यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये वाटर प्रूफिंग कितना बैर रखा गया है, तो यहाँ पे टाइल जो लगाने के बाद में स्कर्टिंग जो टाइल है वो नहीं लग पाएगी। तो यहाँ पे स्कर्टिंग टाइप, ये इसका लेवल देखिए, आपको मैं लेवल यहाँ पे दिखाता हूँ, वॉल से बहुत बैर नज़र आ रहा है, तो इसका लाइन में वो मिल ही नहीं रही, तो ये वाली बड़ी मिस्टेक है। तो क्योंकि इसका प्लास्टर जो है वाटर प्रूफिंग करने से पहले अब देख सकते हैं पूरा बैर आया हुआ, तो ये बहुत यानी बिग मिस्टेक है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखें यानी कितना बैर आया हुआ है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी तरह यहाँ पे मेन यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे ये लेवल देखें और इसका नीचे ये कितना बैर गया, तो यहाँ पे ये स्कर्टिंग जो है वो लग ही नहीं पाएगी, क्यों ये देखिए इतना बैर बैर गया हुआ। तो और सेम ये मिस्टेक इधर थोड़ा ठीक है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन वहाँ से आगे जाके वो काफ़ी जो है वो ख़राब किया हुआ है। तो मेन चीज़ इसको जो इसको ठीक कैसे करना है या वाटर प्रूफ का क्या तरीका है वो मैं बता देता हूँ, कि जब भी हमारा वाटर प्रूफ इधर तक आना था यहाँ तक, तो इसको हमने इधर प्लास्टर को निकाल लेना था, जिधर से नीचे हमारा का कॉन्क्रीट होता है उधर से लेकर इधर तक हमारा तकरीबन 10 सेंटी जो 15 सेंटी, उसको प्लास्टर को प्लास्टर नहीं करते, प्लास्टर को निकाल देते हैं, तो ये वाटर प्रूफ ही होने के बाद में वाटर प्रूफ ही उसके अंदर साइड में होता है, तो फिर हमारा जो 2 सेंटी प्लास्टर होता है वो इसके सेम लेवल में आ जाता है, तो स्कॉटिंग बाद में इसके ऊपर लगे। तो और जब वाटर प्रूफ कर लिया जाता है बाकी जो गैप होता है वो प्लास्टर से फिल कर दिया जाता है, और उसके बाद में फिर हमारा स्कॉटिंग जो है कोई इशू नहीं आता, टाइल भी लग जाता है। अभी हमारा टाइल भी इधर लगाने में दिक्कत आएगा क्योंकि ये जगह बाहर है और यहाँ पे स्कॉटिंग भी लगे, इस बड़ी वेरी बिग मिस्टेक। और ऐसा ये सुपरवाइजर करने के टाइम में पूरा ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।